नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है, बिगुल बज गया है, शंखनाद हो गया है। 2024 लोकसभा चुनाव बस आ चुका है। 7 चरणों में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है। जी हां, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और महात्योहार है ये भारत के लिए। 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे और 1 जून को चुनाव खत्म होंगे। 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि देश की कमान किसके हाथ में है। फिलहाल फिलवक्त उंगली पर सरकार है, आपकी उंगली पर पूरी बिसात निर्भर करती है कि आप आखिर अपना मुहर कहां लगाते हैं। देखिए क्या है रिपोर्ट। देश में बजी लोकसभा चुनाव की डुगडुगी। देश में 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव। गांडे विधानसभा में 20 मई को उपचुनाव। 4 जून को आएंगे चुनाव के नतीजे। देश में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है। देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल 102 सीट पर चुनाव। दूसरा चरण 26 अप्रैल 89 सीट पर चुनाव। तीसरा चरण 7 मई 94 सीट पर चुनाव। चौथा चरण 13 मई 96 सीट पर चुनाव। पांचवा चरण 20 मई 49 सीट पर चुनाव। छठा चरण 25 मई 57 सीट पर चुनाव। सातवा चरण 1 जून 57 सीट पर चुनाव। वही झारखंड की बात करें तो 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। 13 मई 4 सीट पर वोटिंग। 20 मई 3 सीट पर वोटिंग। 25 मई 4 सीट पर वोटिंग। 1 जून 3 सीट पर वोटिंग। अब आपके क्षेत्र में कब चुनाव होंगे ये भी जान लीजिए। 13 मई को 4 सीटों पर चुनाव। खूंटी, लोहरदगा, पलामू, सिंहभूम में वोटिंग। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अप्रैल। नामांकन पत्र की जांच 26 अप्रैल। नाम वापसी की आखिरी तारीख 29 अप्रैल। 20 मई को 3 सीटों पर चुनाव। हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में मतदान। नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई। नामांकन पत्र की जांच 4 मई। नाम वापसी की आखिरी तारीख 6 मई। 25 मई को 4 सीटों पर चुनाव। गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में मतदान। नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई। नामांकन पत्र की जांच 7 मई। नाम वापसी की आखिरी तारीख 9 मई। 1 जून को 3 सीटों पर चुनाव। राजमहल, दुमका और गोड्डा में मतदान। नामांकन की आखिरी तारीख 14 मई। नामांकन पत्र की जांच 15 मई। नाम वापसी की आखिरी तारीख 17 मई। 2024 के लोकसभा चुनाव में युवा वोटरों की संख्या 1,82,00,000 के करीब है, जबकि कुल वोटर की संख्या 96 करोड़ से ज्यादा है। इसमें पुरुष वोटर की संख्या 49 करोड़ जबकि महिला वोटर की संख्या 47 करोड़ के करीब है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल मतदाता 2,53,86,152 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,29,37,458 है, जबकि महिला मतदाता की संख्या 1,24,48,225 है। झारखंड में फर्स्ट टाइम वोटर 21,67,270 है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे की बात करें, एनडीए को 352 सीटें मिली थी, इनमें से सिर्फ बीजेपी 300 सीटें जीती थी। वहीं यूपीए ने 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इनमें कांग्रेस ने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं अन्य पार्टियां 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब झारखंड की बात करें तो 2019 में झारखंड की 14 सीटों में से 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा था। इनमें बीजेपी ने 11 सीट और आसू ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं यूपीए सिर्फ 2 सीटें ही जीत सका था। कांग्रेस और जेएमएम ने एक एक सीट पर जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत।
भैया चुनावी तैयारियां, दमखम लगाना शुरू हो जाएगा आज से पूरे देश में। आचार संहिता भी कल से लागू हो जाएगा, पूरे देश में आचार संहिता लागू है। और इस बीच कई तरह के कयास हैं जो गर्म हो रहे हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से फिलहाल झारखंड में काफी उथल पुथल मची हुई है। ईडी सीबीआई की एंट्री को लेकर जहां एक तरफ हर दिन नए विवाद नए बवाल जन्म ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव की बात करें तो भाजपा काफी मजबूत स्थिति में रही है। पिछले चुनाव की 2019 की बात करें तो 11 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा था, एक सीट आसू के खाते में थी, मतलब कुल मिलाकर एनडीए के खाते में 12 सीट पहले से थी, और जो एक सीट सिंहभूम की सीट कांग्रेस के पास थी गीता कोड़ा के रूप में, वो सीट भी फिसल कर कहीं ना कहीं गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो गई है, तो वो सीट भी अब मुश्किल दिखाई दे रही है। डगर पनघट की अभी बहुत कठिन है। रुक करते हैं अपनी सहयोगी पहले भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है, भावना का रुक करते हैं। भावना, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, घोषणा हो गई है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, झारखंड में चीजें काफी राजनीतिक उथल पुथल का माहौल है। पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में है, जो झारखंड आईएनडीआई गठबंधन का बड़ा चेहरा थे। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज होगा झारखंड में आईएनडीआई गठबंधन के लिए चुनाव लड़ पाना, एनडीए के लिए अपनी सीट बरकरार रख पाना। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है और आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक पॉइंट का बहुत बारीकी से जिक्र किया जाता है कि किस किस चरण में क्या होना है। लेकिन क्योंकि मैंने शुरुआत बीजेपी की बात से की और वर्तमान में भी डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में समझना पड़ेगा कि केंद्र में क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर जो है सरकार चला रही है, ऐसे में तीसरी बार में क्या जनता उनको मौका देगी या नहीं, ये यही 2024 के चुनाव फिर से तय करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने सवाल झारखंड के परिपेक्ष में पूछा है, जल जंगल जमीन का क्षेत्र झारखंड को कहा जाता है, ऐसे में हेमंत सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त जेल में भी है, और कहीं ना कहीं जेएमएम ने जो है कल्पना सोरेन को जो लॉन्च किया है, आप ये समझिए कि पहले राजमहल एक सीट थी जिस पर जेएमएम के सांसद बने और 12 सीटों पे बीजेपी के सांसद, एक बीजेपी यानी कि साथ में अगर लगभग 12 सांसद, एक अटसू के पास सीट, उसमें से एक सीट जो कांग्रेस के पास थी वो भी देखा जी बिल्कुल, और उसी में से अगर समझा जाए अभिषेक तो एक सीट जो कांग्रेस के पास थी वो भी बीजेपी के खाते में आ जाती है, सीधे तौर पर 13 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आती है। एक सीट जिस पर बीजेपी ने पूरी दावेदारी ठोक दी है कि राजमहल को कैसे भी करके इस बार जो है अपने पाले में लेकर आना है, उसको लेकर काम करना है। जब हम लोग लगातार बीजेपी की कवरेज कर रहे थे दिल्ली से, तो हमने ये चीजें देखी कि कैसे क्लस्टर्स बनाए गए, कैसे जो है कई अधिकारियों की नियुक्ति की गई, और उस बात में खासकर जोर दिया गया अभिषेक कि 164 वो सीट जिस पर भाजपा जीत नहीं बना पाई, जिस पर भाजपा को हार का मुख देखना पड़ा, उस पर कैसे काम होगा ताकि भविष्य में जो 400 पार का उन्होंने नारा दिया उसको सिद्ध कर सके। 303 2019 में आता है एनडीए के साथ मिलकर, वो 353 हो जाता है, लेकिन वहीं अगर हम देखें तो 164 का जो फॉर्मूला लगातार भाजपा कहती है कि क्लस्टर इंचार्ज बनाए गए हैं जो है उस पर कई अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, सहसंयोजकों की नियुक्ति कर दी गई है, ताकि बूथ लेवल पे, जिले लेवल पे, मंडल लेवल पे, नुक्कड़ लेवल पे काम किया जा सके और जीत जो हार है उसको जीत में तब्दील किया जा सके। ये एक बड़ी खेमेबाजी है जिसको लेकर बीजेपी ने 400 पार का नारा दे दिया है। अब बात क्योंकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, जेएमएम के खाते में मात्र जो है एक सीट है राजमहल, उस पर भी भाजपा की जो है पूरी पैनी नजर है कि कैसे उस सीट पर भी जो है पूरी तरीके से मजबूती की जाए, और भविष्य में क्योंकि अब तो चुनावों का आगाज हो गया है, उस पर चुनाव भी होने हैं, तो कैसे उस सीट पर जो है अपनी बढ़त बनाई जाए। लेकिन अभिषेक, जो झारखंड की जनता है और जो लोग है वो आपसे हमसे बेहतर जो है बारीकी से ग्राउंड की चीजें समझते हैं, अपने क्षेत्र की चीजें समझते हैं, क्योंकि वो भी वोट देने जाते तो उनको पता है कि अपने वोट का इस्तेमाल कब कहां कैसे करना है। तो ऐसे में ये समझिए कि हेमंत सोरेन का जेल में जाना और कल्पना सोरेन का लॉन्च होना, कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट भी नजर आएगा यहां पर, जो कि हम भविष्य में देखने वाले हैं। तो क्या यह माना जाए कि जेएमएम की जो सीट है राजमहल, जो कि उनके खाते में है, क्या एक बार फिर से उनको मिल सकती है, क्या वो सिंपैथी वोट उनको मिल सकते हैं, जिसको लेकर जब हेमंत सोरेन जेल में जा रहे थे तब देखा गया था कि उनके चेहरे पे शिकन नहीं थी, कहीं ना कहीं अपने आप को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने नेता को क्रांतिकारी भी बताते हुए नजर आए हैं, और ये भी बताया गया कि सच कभी किसी के आगे झुकता नहीं, इस तरीके की जो कई तमाम चीजें हमने पढ़ी भी देखी भी। लेकिन अब सवाल यही उठता है, 14 सीटें हैं, 14 सीटों में किसको बढ़त हासिल होगी, क्या भाजपा एक बार फिर से सेंधमारी करेगी जैसे कि पिछली बार भी देखा गया, क्या राजमहल की वो सीट जो कि जेएमएम के खाते में है वो भी भाजपा के खाते में गिरती हुई नजर आएगी, क्या वो सिंपैथी वोट जेएमएम को दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी अपने आप में कई सारे सवाल।
निश्चित तौर पर सवाल तो भावना निश्चित तौर पर हम दिल्ली की तरफ भी बात कर ले तौर पर भावना सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ पहले से हारी हुई 164 सीटों का को साधने का लक्ष्य है, वहीं दूसरी तरफ अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 12 एनडीए के खाते में है। एक सीट और आ ही चुकी है, जो प्रत्याशी थी गीता कोड़ा वो तो शामिल हो ही चुकी हैं। 13 सीटों की बढ़त बरकरार रख पाना निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है। कई तरह के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा लोकसभा चुनाव का क्या नजारा होता है। बहुत धन्यवाद भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इस बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद झारखंड के राजनीतिक दलों से भी तमाम तरीके के टिप्पणियां आने लगी, तमाम तरीके के बयान आने लगे हैं। पहले उन बयानों को समझ लें, उन दावों की हकीकत समझ लें, किस सीट पर किसका दावा है, कौन अपने जीत के परचम को लहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देश में 7 चरण में लोकसभा चुनाव का दंगल है, लेकिन 4 जून को आखिर किसका मंगल होगा? लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन मोदी के विजय रथ को रोकेगा? 4 जून को सभी सवालों के जवाब सामने आएंगे। 4 जून को नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी का दावा है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में देश की सेवा की है, ऐसे में जनता का आशीर्वाद फिर मोदी को ही मिलेगा। मोदी जी ने 10 वर्षों तक जो सेवा करने का काम किया है, उनकी सेवा को गांव के लोगों ने देखा है कि पहला प्रधानमंत्री है जो गांव के लोगों को याद करने का काम किया है, गांव के लोगों को सुविधा देने का काम किया है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने झारखंड की सभी 14 सीटें जीतने का दावा किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि अब की बार अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही जेएमएम अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगा। जबकि दुमका से हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जल्द ही इस पर भी फैसला ले लिया जाएगा। पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है जी, उसी का नेतृत्व हम लोग विधानसभा में लड़े हैं जी, उसी का नेतृत्व लोकसभा भी लड़ेगा। हमारा संगठन का बात है और गठबंधन में तो हमारा अलग हमारा नीति। वो भी लड़ेंगे दुमका से क्या सर? वो दुमका से लड़ेंगे अभी हम लोग बताएंगे आप लोग को। अभी तक सीटों की घोषणा नहीं हुई है बीजेपी ने जो है वो हो जाएगा। अब आधा दिन तो नहीं, एक दिन में आप लोग, एक दो दिन में आप लोग को बता दिया जाएगा। आने वाला समय बताएगा कि महागठबंधन झारखंड में 14 का 14 सीट जीतने जा रही है। हर बूथ पर हमारी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं जमीन पर, बीएलए तैयार हैं, हर बूथ पर हमारी काम चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग चल रही है और होने वाला जो चुनाव है लोकसभा का झारखंड अप्रत्याशित रिजल्ट देगा। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। वहीं 20 मई को गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, यानी रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी के महारथी तैयार है, इंडिया गठबंधन में महारथियों के ऐलान का इंतजार है। दावे होंगे, वादे होंगे, फैसला जनता को करना है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो दावे हैं, तमाम तरह के दावे हैं, राजनीतिक दल हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, दावे तो सामने आएंगे ही, लेकिन किसके दावे धरातल पर उतरेंगे ये देखना अभी बाकी है। एक बार स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का, हमारे साथ कांग्रेस से राकेश सिन्हा साहब जुड़े हैं। राकेश जी स्वागत करते हैं आपका। झामुमो से डॉक्टर तनुज खत्री जुड़े हैं, तनुज जी स्वागत है आपका। भाजपा से अविनेश कुमार सिंह जी जुड़े हैं, अविनेश जी स्वागत है आपका। और आजसू से गौतम सिंह है हमारे साथ, गौतम स्वागत करते हैं आपका। रुक करते हैं सबसे पहले झामुमो का, डॉक्टर तनुज खत्री से सवाल। 2019 में रघुवर दास की सरकार थी, भाजपा ने पुराने तमाम मिथक तोड़े, 2004, 2009, 2014 में सत्ताधारी दल में रहते हुए लोकसभा के चुनाव के परिणाम हमेशा विपरीत रहे जो भी सत्ता में रहा। लेकिन 2019 के चुनाव में जब रघुवर दास की सरकार जब तक थी उस बीच में चुनाव संपन्न हुए, 12 सीटों पर जीतकर भाजपा आई, 11 सीटों पर जीतकर भाजपा आई, एक सीट आसू के खाते में गया। क्या लगता है झामुमो से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस बार आंकड़ों को दोहरा सकेंगे सरकार के फेवर में? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज आदर्श आचार संहिता लगी है और चुनाव की घोषणा हुई,
और हम समझते हैं कि ना सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि हमारे सभी सहयोगी दल और गठबंधन के सभी साथी सभी की सभी 14 सीटों पर ना सिर्फ चुनाव जीतेंगे बल्कि एक झारखंड जो है एक संदेश देने का काम करेगा पूरे देश को कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 2019 में खदेड़ करके यहां से बाहर करने का काम किया। और अभिषेक जी, विधानसभा में, बिल्कुल विधानसभा में जी। और देखिए हमारे देश में और प्रदेश में भी जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, सांसद और विधायक ही चुनते हैं, लेकिन जो 2019 का जो विधानसभा था वो पूरी तरह से फोकस था हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जनता जब वोट देने जा रही थी तो वो मुख्यमंत्री को चुनने के लिए वोट दे रही थी जी। और उसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो जिस वक्त सरकार का गठन हुआ 29 दिसंबर 2019 को, ठीक उसी दिन से सरकार को गिराने की साजिश रचते रही, चाहे वो कोविड काल का समय हो, चाहे कोविड से जिस प्रकार से कोविड काल में आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो काम करने का जो अपना रूप दिखाया, जिस प्रकार से हवाई चप्पल वालों को कहते थे कि हवाई जहाज से लाएंगे लेकिन लाने का काम किया हेमंत सोरेन जी ने, कई लंबी फेहरिस्त है जी। और उसी का नतीजा हुआ कि आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने झूठे आरोपों में षड्यंत्र के तहत अपने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके जेल के अंदर भेजने का काम किया। हम समझते हैं कि झारखंड की जनता इस लोकसभा के चुनाव में उस सब का बदला लेगी। जब पिछले बार भी नरेंद्र मोदी जी भी आए थे चुनाव के प्रचार में, वो संथाल भी गए थे, दुमका भी गए थे, यहां तक कि बरहेट भी जाने का काम किया था। और आदरणीय गृह मंत्री जी जब रांची के एयरपोर्ट पर उतरे थे, बहरागोड़ा में उनकी सभा होनी थी अभिषेक जी, फटकार लगाते नजर आए थे अपने कार्यकर्ताओं को कि कुर्सियां क्यों खाली हैं। तो छह माह में कैसे समीकरण बदल गए थे तनु जी? लोकसभा चुनाव 2019 में ही हुए, मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव हुए थे, मई में खत्म हुए थे, सारे समीकरण आपके खिलाफ बता रहे हैं आंकड़े, लेकिन जब नवंबर दिसंबर में विधानसभा में जाते हैं तो फिर समीकरण आपके फेवर में आ जाते हैं। देखिए इसी बात पर, चूंकि आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार से फंसाया गया उस पर एक चंद पंक्तियां मैं फिर से आपके सामने बोलना चाहूंगा। अंजाम को पहुंचूंगा मैं अंजाम से पहले, अंजाम को पहुंचूंगा मैं अंजाम से पहले, खुद मेरी कहानी भी सुनाएगा कोई और। तो यही होने जा रहा है, इस कहानी सुनाई जाएगी कि किस प्रकार से आपने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, चुने हुए जनप्रतिनिधि को जेल भेजने का काम किया, और इसका हिसाब जो है झारखंड की जनता लोकसभा में भी देगी और उसके बाद विधानसभा में भी देने का काम। सीधे भाजपा से सवाल पूछ लेते हैं, अविनेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनेश जी, 14 सीटों पर चुनाव जीतने का दावा कर रही है INDIA गठबंधन, हेमंत सोरेन को जेल भेजना भारी पड़ने वाला है क्या भाजपा को? कार्रवाई ईडी की भरपाई भाजपा करेगी? देखिए लोकतंत्र का महापर्व का शंखनाद हुआ है, भारत सरकार एजेंसी सबका अभिनंदन स्वागत। अभी से लोकतंत्र के पर्व में जनता जो निर्णय देगी, प्रजातांत्रिक देश है, उस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी। अब रही बात, भाई साहब अभी बोल रहे थे हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से ये बार बार शहीद बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस झारखंड की धरती को, अगर इस झारखंड की धरती का राजनीतिक निर्माण, भौगोलिक निर्माण अगर किसी को करने का श्रेय है तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से बना है। इनके घटक दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव जी पटना में बैठकर छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे थे मेरी लाश पर झारखंड बनेगी। पहला तो भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड का निर्माण किया और एक विकास का ब्लू प्रिंट तैयार किया, और लगातार जो चहुंओर विकास जो दिख रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, कोई जेएमएम की देन नहीं है। तो फिर सत्ता ने झारखंड सत्ता से क्यों नकार दिया? मैं आगे आ रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कह रही कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके इनके सर्वमान्य नेता हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया, 10 बार इनको नोटिस दिया गया, बिना तथ्य के कोई भी एजेंसी CBI हो ED हो कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकती है। अंबा प्रसाद जी पर भी हाथ डाला है, तथ्य मिल रहे हैं, पिटारा खुलने वाला है, आप देखिएगा क्या होगा। सरकार कैसे चल रही है, दिशाहीनता का यह आलम है कि दो दो IAS जेल के अंदर बैठे हुए हैं, यहां की नौकरशाही भ्रष्टाचार में गोता लगा रही है जी।
जो आर्थिक अपराध के आरोप लगे हैं हेमंत सोरेन जी पर, हमने नहीं लगाया, लोविन हेमरम ने लगाया सबसे पहले विधानसभा के अंदर, उनके विधायक हैं, सीता सोरेन जी ने आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर जो झारखंड में जो राजनीतिक स्थिति परिस्थिति बनी है, आज हेमंत सोरेन जी जो करनी भोग रहे हैं वो स्वयं उसके उन्होंने स्वयं जो किया है वही वो झेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। हेमंत सोरेन की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बताएं कि दावा है कि 14 के 14 सीट जीतेंगे, आपको क्या लगता है कितने खरे उतरिएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा झारखंड से आशीर्वाद मिला है, मैंने कहा जी, और इस अभी देश में जो वायुमंडल है जन जन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी को है या नरेंद्र मोदी जी को देश चल पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को है या नरेंद्र मोदी जी को? भारतीय जनता पार्टी के ही वो नेता है, प्रधान सेवक अपने वो कहते हो तो बार बार बोलते हैं मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, हमारे कार्यकर्ता ही वहां तक संघर्ष करते करते नेता बने हैं। यही एक दल है जहां किसान का बेटा, जहां एक चाय बेचने वाला का बेटा, खोमचा बेचने वाला का बेटा भी नेता बन सकता है। हमने वंशवाद परिवारवाद को बढ़ाया नहीं है। आज देखिए देश में जो स्थिति बनी है, वंशवाद दम तोड़ रहा है, अवसरवादी राजनीति दम तोड़ रही है, अब सिद्धांत विहीन राजनीति देश में नहीं चलने वाला है जी। अब देश नई, भारत के नौजवान अब एक नई दिशा की ओर चल पड़े हैं जी। तो जन जन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से जो आशीर्वाद मिला वो मिलेगा। जन जन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस से राकेश सिन्हा जी जुड़े हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, काफी नजदीक से राजनीति को समझते हैं। राकेश जी, 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, एक सीट जो आपके खाते में थी हाथ से फिसल चुकी है, 13 सीटों की चुनौती सामने है, कैसे साधेंगे 13 सीटों की चुनौती? अभिषेक जी, आपके प्रश्नों के जवाब देने के पहले मैं दो बिंदुओं पर बात करना जरूर चाहूंगा जी। पहला कि इन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है झारखंड, तो शायद इनको पता होगा या नहीं होगा कि ये लोग झारखंड की मांग नहीं कर रहे थे, वनांचल की मांग कर रहे थे। झारखंड इस वक्त इन लोगों के डिक्शनरी में भी नहीं था। और जो इन्होंने कहा, हमारे 11 विधायक थे इस राज्य से, और उसके बावजूद हम ये जानते थे कि आंकड़ों के अनुरूप यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसके बावजूद आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, जो हम लोगों की सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार विधानसभा से झारखंड अलग राज्य का बिल पास करो, और हम लोगों ने बिल पास करवाया, और परिणाम यह हुआ कि 11 मंत्री हमारे हट गए, मंत्री पद को हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन हमने अलग राज्य की नींव डाल दी, स्थापना कर दी, उसका श्रेय लूट रहे हैं, लूट ले। खैर, दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है जी, और जनता त्रस्त है महंगाई से, जनता किसान इस राज्य देश के, हम विकसित भारत की ये बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि क्या देश के अन्नदाता अगर सड़कों पे रहेंगे तो भारत विकसित हो सकता है क्या? देश की बेटियां अगर इनके सांसद के कारनामों से प्रताड़ित होकर के आंसू बहा रही हो तो क्या देश विकसित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता देश विकसित। जिस प्रकार आज किसान एमएसपी की, एमएसपी का मांग इन्होंने रिटर्न दिया था कि हम एमएसपी लाएंगे, यह है गारंटी इनकी कि अपने लिखित बात को ये लोग भूल जा रहे हैं और ये गारंटी की बात कर रहे हैं जी। तो हमें यह लगता है कि देखिए अभी ये सत्ता में है जी, सत्ता के अहंकार में है जी, तो अहंकार में बहुत कुछ बोल जा रहे हैं, लेकिन जनता संजीदा है इस देश की, और इस देश की जनता के मन में आ गया है कि आप अहंकार से सत्ता चला रहे हो, आप डरा के सत्ता चला रहे हो, आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो। स्वाभाविक तौर पे जनता जाग उठी है, और जब जब जनता जागी है सत्ता परिवर्तन हुआ है, और इस बार भी सत्ता परिवर्तन होगा, लोकतंत्र की स्थापना होगी, अहंकारी सरकार सत्ता से बाहर जाएगी।
चलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर में फिर विधानसभा के चुनाव भी आने हैं। ऐसा ना हो कि विधानसभा के चुनाव में भी सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनती नजर आ जाए। रुक करते हैं आंसू का एक बार। गौतम सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम जी, एनडीए में है आप लोग, एनडीए ने तमाम सीटों की घोषणा कर दी है, बस 3 सीट बचा कर रखे हैं। चतरा का विवाद तो समझ में आता है कि चतरा में सांसद जो 3 लाख वोट से ज्यादा से जीत कर आए थे उनको वहीं की जनता, वहीं के लोग नकार रहे हैं, अपनी ही पार्टी के लोग नकार रहे हैं। धनबाद का मामला समझ में आता है कि जिसको आप लोग पासे में रखना चाहते हैं, पाले में रखना चाहते हैं, वो शामिल नहीं होना चाहता आपके साथ या दबाव बनाए रहे हैं आप लोग, चाहे जो भी मामला हो। लेकिन आजसू को पेच में क्यों फंसा रखा है भाजपा ने? आजसू का पिक्चर क्लियर क्यों नहीं हो रहा गिरिडीह की जनता के सामने? देखिए, अभी आज कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, आज से चुनाव की तमाम प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई हैं। हम लोग एक एनडीए के पार्ट हैं और इसमें कहीं भी कोई पेच नहीं है। ये बिल्कुल तय है कि गिरिडीह आजसू लड़ने जा रही है और गिरिडीह जीतने भी जा रही है। तो फिर घोषणा क्यों नहीं हो गई गिरिडीह में? जब लड़ना ही था आजसू को तो फिर घोषणा हो जाना चाहिए था। देखिए, घोषणा हमारे यहाँ कोई ऐसा मायने नहीं रखता, घोषणा आप लोग ऐसा कोई अन्य जो सत्ताधारी दल हैं उनके जैसा नहीं। हमारे यहाँ बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया? केंद्रीय समिति बैठेगी, कैंडिडेट के नामों पे चर्चा होगी, उसके बाद घोषणा होगी। समय है अभी, नोटिफिकेशन आज हो गया, मैं अभी INDIA से भी पूछूंगा, लेकिन उन्होंने अपने किसी भी सीट की घोषणा नहीं की है। देखिए, हम लोग से ये सवाल इसलिए है क्योंकि भाजपा को के पर आप निर्भर हैं, भाजपा का चेहरा देख रहे हैं और गिरिडीह की जनता आपका चेहरा देख रही है। बिल्कुल, हम लोग गिरिडीह के जनता के साथ जुड़ाव रखे हुए हैं। गिरिडीह में हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो आजसू के हों, सबसे हमारा संपर्क निरंतर बन रहा है। अभी बीते दिनों हम लोगों ने वहां पे ग्राम प्रभारियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ये बात अलग है कि हम लोग अभी जो आप कह रहे हैं कि हम लोग घोषणा के दौर पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जल्द ही हमारे यहाँ एक केंद्रीय समिति बैठेगी और कैंडिडेट के नाम की घोषणा भी करेगी। चुनाव की तारीखों का अंदाजा है ना आपको, चुनाव कब कब है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जिस सीट को लड़ने जा रहे हैं उसको लेके अभी काफी समय है, हम लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और चुनाव तो ये बड़ा फर्क है, क्योंकि एनडीए एक तरह भाजपा का दावा होता है कि वो सालों भर चुनावी फॉर्म में होती है, आप कह रहे हैं कि चुनाव में अभी काफी समय बचा हुआ है। बिल्कुल, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि ये चुनाव जब भी होती है, अभी जनता के बीच हम लोग को जाना है। जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के बीच में हम सिर्फ अपने लुभावने वादों के साथ नहीं, अपने काम जो हम लोगों ने किया उसके साथ भी जाएंगे। कोई भी चुनाव होता है वो अलग अलग फैक्टर के साथ बढ़ते हैं, उसमें एक संगठन होता है, जनता का रुझान होता है, हमारे पूर्व में किए गए कामों का जो रिपोर्ट कार्ड होता है ये होता है। अभी आप देखेंगे झारखंड रिपोर्ट कार्ड देखकर तो साहब आप डुमरी गए थे विधानसभा उपचुनाव में, तो नकार दिया जनता ने आप। देखिए, डुमरी विधानसभा में बिल्कुल हमारी हार हुई है, वो हम लोग मानते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो हमारे वोटों में जरूर बढ़ावा, जो बढ़ोतरी हुई है वो भी आपको साफ साफ दिखेगा। जी, वोटों की बढ़त को नजर में रखिए, ऐसा नहीं वोटों की बढ़त से जीत हार का निर्णय। राजनीति में दो चीज है अभिषेक, या लोग जीतते हैं या सीखते हैं। हम ऐसे संगठन हैं, हम ऐसे पार्टी हैं जो निरंतर अपने जीत से भी सीखते हैं और हार से भी सीखते हैं, और इसका नतीजा आपको आने वाले समय में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बिल्कुल सकारात्मक रूप में दिखेगा। अगर आप लोग सीख रहे होते तो आंसू की सीटें कम होती जा रही हैं, विधानसभा में भी सीटें कम हुई हैं, सीखना जरूरी हो गया है मुझे ऐसा लगता है। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं झामुमो का, तनुज खत्री से पूछते हैं। तनुज, आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि लीडरशिप क्वालिटी हेमंत सोरेन के पास ही है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के सिद्धांतों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन इस वक्त जेल के भीतर हैं। यह भी सच है कि विधानसभा की अगर बात करें 2019 में तो हेमंत सोरेन एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आए थे। कितना चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है झामुमो के लिए और INDIA गठबंधन के लिए जेल में रहते हुए हेमंत सोरेन के साथ समन्वय बनाते हुए चुनाव का सामना करना? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरुआत से ही चुनौतियों से लड़ते आया है और उसका सामना करते आया है, चाहे झारखंड अलग राज्य की बात हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से 2019 में झारखंड के लोगों को निजात दिलाने की बात हो। और बिल्कुल जो आदरणीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने कहा कि इसके पहले का भी जो चुनाव था वो आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमने लड़ने का काम किया था, और आने वाले सभी चुनाव, चाहे वो लोकसभा के होंगे चाहे वो विधानसभा के होंगे, वो भी आदरणीय हेमंत सोरेन जी के
लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उनको फंसाने का काम किया गया आज तक कोई बता नहीं पाया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। झूठे आरोपों में आपने फंसाने का काम किया एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जब आप पीएम आवास को खारिज कर रहे थे तो वो अब आवास देने का काम कर रहे थे। ये मामला सब जुडिस मामला है, इस मामले पर अभी तब तक हम और आप कुछ नहीं कर सकते जब तक यह मामला कोर्ट में अभी चल रहा है। मामला वहां पर कोर्ट में एविडेंस देने हैं, कोर्ट का मामला न्यायिक प्रक्रिया है, सबूतों की बात। भाजपा सबूत क्यों देगी? सबूत ईडी ने गिरफ्तार किया, सबूत ईडी देगी? आरोप भार भाजपा क्यों लगाती है? ये तो क्रेडिट लेने की होड़ है, बिल्कुल। लेकिन जांच एजेंसियां ही सबूत देती हैं, ये तो प्रैक्टिकल चीजें आप भी समझते हैं। वो तो बिल्कुल सही बात है कि जो भी एजेंसी होगी वो ही सबूत देती है जी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मुद्दे को क्यों राजनीति में लेकर के आते हैं तब? ये भी तो सवाल है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम हेमंत सोरेन जी के जो काम वो कर करके गए हैं जी, उसको लेकर के चुनाव में जाएंगे। मैं उसी की बात कर रहा था कि जिस तरीके से पीएम आवास योजना को छीनने का काम किया, मना करने का काम किया कि हम नहीं देंगे, अब वो आवास देने का काम सरकार ने किया जी। आदिवासियों के सरना धर्म कोड को यहां के सम्मानित विधानसभा ने, सभा ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पास करके भेजने का काम किया। क्यों भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद उस मांग को दोहराता क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री भी आते हैं झारखंड, लेकिन उस पर चुप्पी साधते हैं। तो झारखंड के लोग तो ये देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना कि आपका आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है जी। हमने एसटीएससी ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का काम किया जी, उसको भी आपने रोकने का काम किया पिछले दरवाजे से जी। स्थानीय नीति को परिभाषित करके भेजने का काम किया, उस पर भी आप चुप रहे। तो इसका जवाब तो झारखंड की जनता निश्चित रूप से देगी कि आप पिछले 10 सालों में आपने सिर्फ और सिर्फ आई वॉश करने का काम किया, यहां के भोले भाले लोगों को ठगने का काम किया और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना लाने का काम किया। भूला नहीं है झारखंड सीएनटी एसपीटी एक्ट में क्या बदलाव करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने? भूमि अधिग्रहण बिल ला करके क्या उनकी साजिश थी? ये झारखंड भूला नहीं है और उसका जवाब मिलने जा रहा है, इसलिए ना खलबलाहट है। लेकिन लीगल मामले में तो परिवर्तन आप लोग भी नहीं कर पाए उस मामले में, सीएनटी एसपीटी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मामला कोर्ट के पेच में फंसता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए संकल्प न जारी करके आप लोगों ने पूरा पाला ही भाजपा के हाथ में डाल दिया, केंद्र सरकार को सौंप दिया। हाथ में नहीं डाला, उसको कानूनी कवच देने की बात थी जी कि फिर से उसको अगर उस तरीके से किया जाए तो कोई भारतीय जनता पार्टी के ए बी स्टेट में तो ए और बी टीम ही चले जाती है कोर्ट। कौन जाते हैं? तो उसके बाद भी तो सुनवाई तो हो ही सकती थी, उसको संवैधानिक कवच देने की बात है। चलिए गौतम जी कुछ कहना चाहते हैं। गौतम जी, मैं ये कहना चाह रहा था, भाई तनुज जी अभी तमाम मुद्दों को गिना रहे थे कि इन्होंने स्थानीय नीति, नियोजन नीति, सरना कोड और अन्य मामलों को जो लटकाने और अटकाने का काम किया है जी। इनकी मंशा कभी थी ही नहीं कि इन चीजों को धरातल पर उतारा जाए, इसके लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। जिसका पूरा जिम्मेदारी सत्ताधारी दलों पे थी, जिसके लिए ये सक्षम थे, उनको ये लोग कवच देने के नाम पे ये केंद्र सरकार के पास भेजने का काम कर रहे हैं। जबकि आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि ऐसे विषयों पे कभी भी इस पे विचार किया जा सकता है। तो ये सिर्फ इन झूठे लुभावने वादों के साथ और इसी छल और प्रपंच के साथ जनता को धोखा देना जानते हैं, और इस धोखे के आड़ में जो अपने स्वार्थ की राजनीति ये लोग झारखंड में चला रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री जी चुनाव पर कितना प्रभाव डालेगा ये देखने लायक होगा। राकेश सिन्हा साहब का रुख आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कार्य जो किए गए हैं, इसके आड़ में जितने भी भ्रष्टाचार यहाँ पे हुए हैं, उसी का नतीजा है कि चौदह से उन्नीस तक तो आपकी भी सरकार थी साहब, आप ही लोग कवच पहना देते। नहीं, हमने इसको लेके एक स्पष्ट नीति बनाई थी और बना भी था, उसमें जो भी त्रुटियां थी उसको लेके आज सुबह धरातल पे उतरी थी, प्रदर्शन भी हुए थे। हमने तो अपने समय में नियोजन नीति के आधार पे 24 जिला को आरक्षित कर दिया था। बाद में बताना चाहिए सत्ताधारी दल को कि क्यों नहीं उस पे आगे बढ़े,
क्यों कोर्ट में मामला गया तो ये लोग फाइट कर पाए। आरोपों प्रत्यारोपों की बात करेंगे तब तो लंबी फेरिस्त निकल जाएगी, बात ही अधूरी रह जाएगी। राकेश जी का रुख करते हैं। राकेश जी, युवा विधायक है राज्य की सबसे, अंबा प्रसाद मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। जो जानकारियां हमें मिल रही है कि कांग्रेस के तरफ से भी हजारीबाग सांसद का चेहरा बनने जा रही थी और अंबा प्रसाद पर ईडी की जब छापामारी होती है तो वो भी दावा ठोक देती है कि भाजपा के तरफ से भी उनको हजारीबाग और चतरा सांसद का ऑफर मिला था। आखिर अंबा प्रसाद पर इतनी बड़ी गारंटी और अब हजारीबाग में चेहरे की मारामारी? किसने कहा जी कि हजारीबाग में चेहरे की मारामारी है? जी बहुत सारे चेहरे हैं। तीन चेहरे मैं बताता हूं, अंबा प्रसाद, यशवंत सिन्हा, सौरभ नारायण सिंह। मैंने कहा किस पर उंगली रखते हैं? नहीं नहीं, उंगली रखने वाला मेरी पार्टी में व्यक्तिवादी नहीं चलता जी, मेरे यहां सामूहिकता होती है जी, और सामूहिकता जिस पर निर्णय लेगी वो हमारा प्रत्याशी होगा जी। हमारे यहाँ व्यक्तिवादी नहीं है जी कि फरमान निकल गया वो उम्मीदवार हो गया, सामूहिकता पर हम लोग बात करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यशवंत सिन्हा के हाँ ना और सौरभ नारायण सिंह के रूठने मनाने पे मामला अटका हुआ है? अभिषेक, ये आपका आपका विषय हो सकता है। आपका पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस का पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका विषय हो सकता है जी, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय कौन लड़ेगा ये हमारे अंदर फाइनल है। चलिए, फाइनल है आपके अंदर? मेरे अंदर फाइनल। और दूसरी बात जी अभिषेक जी, कि अंबा ने जो आरोप लगाए हैं जी ये बिल्कुल गंभीर आरोप है जी, और ये घटना सिर्फ इस राज्य में नहीं घटी जी, ये हेमंत सोरेन जेल में इसलिए हैं जी कि उन्होंने भी प्रधानमंत्री के नजरों से नजर मिला करके, आंख में आंख डाल करके देश की अर्थव्यवस्था पर, किसानों की एमएसपी पे, महंगाई पे, महिलाओं के शोषण पे जवाब मांगने का काम किया। और जब जवाब नहीं मिला प्रधानमंत्री जी को तो आज आदरणीय हेमंत सोरेन जेल के अंदर है। और जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मित्रों, भाई एवं बहनों, ये 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी है जी, जिनको प्रधानमंत्री ने प्रमाण पत्र दिया घोटाले का, भ्रष्टाचारी का जी, आज वो प्रधानमंत्री के साथ गलबहिया में है जी, राज्य का उप मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बुकलेट निकलवाया जी, आज वो मुख्यमंत्री है जी। तो ऐसे कई फेरिस्त हैं अभिषेक। लेकिन राकेश जी, अगर इतना आसान है मुख्यमंत्री पद के किसी भी व्यक्ति को किसी जांच एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाना या सरेंडर कर लिया जाना, तो यही मैं कह रहा हूँ, राज्य की जांच एजेंसियां आपके पास बिल्कुल मैं कर खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने केस किया हुआ है, मैं हम एससी एक्ट में केस किया हुआ है, तब तो उठा लेना चाहिए था अगर इतना आसान है तो। हम ये काम नहीं कर सकते, चलिए हम लोकतंत्र को मानते हैं। राकेश सिन्हा साहब से बात कर रहे थे। राकेश जी, आप बता रहे थे कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, दूसरी तरफ भाजपा से अविनेश जी हमारे साथ हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि वंशवाद दम तोड़ रहा है। बिल्कुल दम तोड़ देगा। राजनाथ सिंह का बेटा हारेगा चुनाव या राजनाथ सिंह हारेगी चुनाव, वंशवाद में वो भी है। अनुराग ठाकुर भी वंशवाद में है जी, अनुराग ठाकुर हारेंगे चुनाव। पैरेलल चल रहे हैं दोनों पार्टियां? नहीं नहीं नहीं, पैरेलल नहीं चल रहे हैं जी। इन्होंने कहा जी, इन्होंने कहा तो अनुराग ठाकुर हारेंगे चुनाव, इन्होंने गारंटी दे दी जी, क्योंकि गारंटी इन्हीं की चल रही है ना पूरे देश में जी। तो इन्होंने गारंटी दे दी कि राजनाथ सिंह भी वंशवाद में है, ये चुनाव हारेंगे। अविनेश जी, अनुराग ठाकुर भी वंशवाद में है, चुनाव हारेंगे। जवाब दीजिए, कांग्रेस पूछ रही है कि वंशवाद पर आप सवाल उठाते हैं तो अनुराग ठाकुर और ये राजनाथ सिंह के सुपुत्र फिर कहां है? वंशवाद से बाहर मानते हैं इसको? जैसा बाहर है जैसा, क्या वंशवाद से बाहर है? देखिए, जहां तक इन जो जो नाम इन्होंने लिया, खासकर राजनीति क्षेत्र में अनुराग ठाकुर जी की बात हो या पंकज जी की बात हो जी, ये दोनों लोग ग्रासरूट कार्यकर्ता से काम करते करते ऊपर तक आए। बाप रे बाप। रही बात अगर राजनाथ सिंह की इतनी ही चलती तो उनके बेटा आज दूसरी तीसरी बार वहां कैबिनेट के मंत्री होते जी। लेकिन ऐसा कभी मतलब है कि राजनाथ सिंह का नहीं चल रहा है? नहीं, आप कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह की भाजपा में नहीं चल रही है? राजनाथ की बात नहीं है, व्यक्तिवाद करेगा, व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद आपके यहाँ है, आपके यहाँ जो नेहरू खानदान से परंपरा चल रहा हो किसी छुपा हुआ थोड़ी है। बिल्कुल, आज भी जो वंशवाद कांग्रेस पार्टी में है वो कहीं नहीं, आप पूरे देश में किसी राजनीतिक दल में देख लीजिए। तो व्यक्तिवाद किसको बता रहे हैं राकेश जी? व्यक्तिवाद मतलब किसका व्यक्तिवाद है? भाजपा में कौन चलाता है? भाजपा में सिंगल एक व्यक्तिवाद है अभिषेक, आप भी जानते हो, भारतीय जनता जिनके आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा से ही अविनेश जी और अविनेश जी कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद है? हाँ, आज इन्होंने ही कहा ना, विश्व मानता है, इन्होंने ही गारंटी ली ना।
भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र तो बंद सभा जब हारेगा तो राजनाथ सिंह हारेंगे जो चुनाव ऊपर तक काम करती है। अनुराग ठाकुर जहां तक बात है वो एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में हमेशा तक काम किए हैं। इन्होंने तो क्लियर कर दिया तो वंशवाद कार्यकर्ता के रूप में तो अविनेश जी फिर कांग्रेस के लोग भी काम करते रहे हैं, जेएमएम के लोग भी काम करते रहे हैं। नहीं, काम आगे भी वंशवाद आने वाला है। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी के नाते कांग्रेस पार्टी ने जी जो वंशवाद की परंपरा चलाई है। अच्छा, परंपरा हम लोगों ने चलाई है। आप ब्याह करके चल जाओगे आरएसएस का मुख्यालय में झाड़ू देने, तो कहोगे कि वंशवाद। अरे भैया कहां से होगा पंचायत का, राष्ट्रीय सेवक संघ की तो यहाँ बात ही नहीं है। वो तो एक मैं तो ये कह रहा हूँ राष्ट्रीय सेवक की वंशवाद तब होगा ना जब आप सात फेरों की गारंटी लोगे, जब आप सात फेरों की गारंटी मानोगे तो वंशवाद बढ़ेगा, स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा वंशवाद। और जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो सकता, जो व्यक्ति अपने खानदान का नहीं हो सकता, वो राष्ट्रीय देश का नहीं हो सकता, वो व्यक्ति देश का नहीं हो सकता, वो व्यक्ति देश का नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, क्या राजनीति सुचिता दिखाई है नरेंद्र मोदी ने, किसी ने दिखाया है? अरे एक प्रधानमंत्री का भाषण है ये राजनीति सुचिता, 50 करोड़ कांग्रेस की विधवा, ये प्रधानमंत्री की राजनीति सुचिता है। ये सुचिता की बात करते हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा लेंगे ना, कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू का से लेकर जीप कार तक पूरा का पूरा आप और लोकतंत्र गांधी ने जब जेपी गांधी लोकतंत्र देश में लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी 62 साल का शासन पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी के 62 वर्षों के शासन काल में कोलगेट घोटाला पूरा सबूत नहीं है भाई, तो 62 वर्षों का नरेंद्र मोदी जी को यहाँ कोई जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ बना है आज हमारे यहाँ पूरा है किसी की बात करते हैं। ये आज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने बैठने वाले गरीबों को नहीं है इस देश में महिलाएं इस लोकसभा के 14,000 बलात्कार की घटनाएं झारखंड में इनका शासन चल रहा है, 14,000 में से 8,000 पर गारंटी देंगे लिया सरकार ने, एक ट्रायल नहीं चले नहीं दे सकते। आज यहीं पर समझा अपने को कैंसिल करना हमारा जाता है, दुश्मन है इनका शासन यहां रह रहा है। और जो इस राज का हालात है किसी से छुपा नहीं है, राज का हालात तो आपने कर दिया, पूरे देश का हालात है, बांग्लादेशी घुसपैठियों इनके शासन आज इस देश अपने कांग्रेस पार्टी है पूरा बॉर्डर तुष्टिकरण की जनता झेलिए घुसपैठ 62 साल से ज्यादा है तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अरे अमित शाह ने इस्तीफा दे सुरक्षा का सुधार दिया, घुसपैठिया कांग्रेस को अमित शाह कांग्रेस पार्टी को अमित सम्मानजनक शब्द के साथ बोलते थे। क्या बात आज जब यहाँ पर ये एक कांड हुई थी आपको बॉर्डर की सुरक्षा मंत्रालय के अधीन ने कांड किया, कौन कांड इसमें फिर इनके विदेश मंत्री थे बाटला हाउस कांड, बाटला हाउस कांड में इनके विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बोला क्या बोला, सोनिया गांधी घर के अंदर रो रही थी। बिल्कुल ये कांग्रेस का चरित्र है, ये क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, आंतरिक सुरक्षा शासन में हो गए में कांग्रेस पार्टी ने डाला था, देश में आईएसआई का राष्ट्रीय सुरक्षा पुलवामा में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा जो आईएसआई जनता पार्टी की शासन में देख सकते हैं, आईएसआई के साथ कांग्रेस की सरकार में हो रहे इन लोगों ने वो थे इंडिया की धरती पर आज भारत की धरती पर कांग्रेस पार्टी का काला अध्याय इस देश बात करेंगे और इन लोगों ने पार्टी का है तो चैनल में नहीं बैठे रहते, इतनी ऊर्जा लग रही है चैनल में नहीं बैठे रहते, 25 करोड़ राजीव गांधी की रेखा से ऊपर उठ गए, 4 करोड़ इनको ये कांग्रेस पार्टी का होता गरीब से ऊपर है, आपने गरीबी रेखा से निकलवाया, विश्व का गरीब आपने अर्थव्यवस्था बन गया, गरीब आसान हो रहा कि भारत लोगों ने अर्थव्यवस्था कैसे बन गया, विश्व का
चांद पर जा रहे पूरे देश की अर्थव्यवस्था गिर गया देश की अर्थव्यवस्था मुकाबले आपके देश का जो हालात था राजीव गांधी ने जो देश का हालात किया था स्टैचू प्रधान सरदार मनमोहन सिंह के रूप में सोनिया गांधी के सामने देश का प्रधानमंत्री खड़ा रहता था लोकतंत्र ये आपके प्रधानमंत्री को आपके प्रधानमंत्री में काम करने वाली सोनिया गांधी नचाती थी सर्वोच्च पद क्या बोल रहे हैं अविनेश जी, अविनेश जी क्या टिप्पणी कर रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि इटली की ये गलत इटली माफी मांगी है, क्यों माफी मांगी है? नहीं नहीं वो माफी मांगी है, आप माफी मांगिए, ये इस तरह का जीवन नहीं होगा। माफी मांगिए आप, माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। ये महिलाओं का सम्मान, ये महिलाओं का सम्मान, आप जिस तरह के नजर में ये महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है, पूरे भारत का यह तरीका है। मोदी लोगों का इसी झारखंड में देगा। आप महिलाओं के साथ आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, माफी मांगी है। आप महिला के संबंध में माफी मांगी है तो निश्चित तौर पर अपनी वाणी पर लगाम तो रखना होगा, माफी मांगी है। आप भाषा पर लगाम आप लोग माफी मांगिए बना के रखें। आज ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि एक दूसरे पर लांछन लगाने में इतने माफी मांगिए कि उसको लेकर कहीं ना कहीं आपराधिक मामले दर्ज करने पड़े, दर्ज करवाने पड़े, और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस बात का आप लोग विशेष ख्याल रखें। नहीं पहले ये माफी मांगे, माफी मांगे, ये कष्ट हुआ है खेत में प्रकट हाँ। चलिए आपको अगर कष्ट ये ठीक है, खेत प्रकट किया है आपने, बड़े दिल के हैं अनिमेश जी, चाबिनेश जी। चलिए एक बार रुक करते हैं राकेश सिन्हा साहब का। राकेश जी, लोहरदगा सीट को लेकर जो चर्चाएं हैं कि झामुमो और कांग्रेस के बीच में जीत चल रही है, मात्र 10,000 सीट से कांग्रेस ने वो सीट को खोया था। आपके कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की साहब ने कहा भी कि वो सीट हमारा था और हमको ही मिलना चाहिए, 10,000 कोई वोट कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। राज्यसभा में भी आपका आपका टिकट सिटिंग सीट काट दी गई, धीरज साहू का टिकट था, धीरज साहू का टिकट काटकर वहां से सरफराज साहब को भेज दिया गया है। क्या लोहरदगा भी और इसी तरीके से दूसरे सीट भी गंवाते जाएंगे? कांग्रेस अपना सुपड़ा अपने हाथ से तो नहीं साफ करती जाएगी? अभिषेक, सबसे पहली बात तो मैं ये है जी कि टिकट काटी नहीं गई किसी की भी जी। मैंने कहा कि जब हम गठबंधन की बात करते हैं, जब हम साझेदारी और हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो हमारे लिए मुद्दा वो नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करना। हमारे लिए यह मुद्दा है कि कैसे हम किसानों को MSP दिलवा सकते हैं। हमारे लिए यह मुद्दा है कि कैसे हम युवाओं को रोजगार में लगा सकते हैं। हमारे लिए यह मुद्दा है कि कैसे महिलाओं का आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं। तो हमारे लिए यह मुद्दा है। और जब उद्देश्य बड़ा होता है, जब उद्देश्य बड़ा होता है, तो ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि हमारा लक्ष्य अर्जुन की तरह है, वो मछली की आंख, और वो मछली की आंख है किसान, युवा, महिला, बेरोजगार, ये हमारा मछली का आंख है। तो हमारा निशाना वहां है। तो जब इसलिए मैंने कहा कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो कौन राज्यसभा जा रहा है, कौन लोकसभा जाएगा, ये हमारे तो लिए लक्ष्य आपका है नरेंद्र मोदी को रोकने का। बिल्कुल। तो हम मुझे आप ये बता दीजिए राकेश जी कि अभी कहां कहां पर INDIA गठबंधन बचा है? आपके बड़े चेहरे एक एक करके सरकते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा देश के किस किस राज्य में अभी INDIA बचा है, कहां कहां लड़िएगा आप लोग? उत्तर प्रदेश में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया। आप ये मान रहे कि INDIA सीट शेयरिंग करके लड़ लेगा? बिल्कुल। झारखंड हो गया, और कहां पूछना है बताइए। चलिए इसी बीच में आपको झारखंड की एक कवायद दिखाता हूं। झारखंड में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची दिखाता हूं। 7 सीट ऐसे हैं जिस झारखंड के जिस पे कांग्रेस का दावा है, संभावित उम्मीदवारों की सूची बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है, लेकिन एक सीट लोहरदगा जरूर अटका हुआ है कहीं ना कहीं। झामुमो तो चमरा लिंडा भी दावा ठोक रहे हैं, अब किसकी सीट किसको मिलेगी यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन INDIA के लिए यह बड़ी चुनौती है। देखिए ये रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। हालांकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ी, वहीं जेएमएम 5 सीटों पर, जबकि आरजेडी और माले एक एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। गोड्डा, धनबाद, लोहरदगा, खूंटी, रांची, हजारीबाग और पलामू में कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस से संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो गोड्डा से दीपिका सिंह पांडे, प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी, धनबाद से कुमार गौरव, जलेश्वर महतो, ददई दुबे और अनुपमा सिंह, लोहरदगा से सुखदेव भगत, शिल्पी नेहा तिर्की और रमा खलको, खूंटी से कालीचरण मुंडा, प्रदीप बालमुचू और दयामनी बारला, हजारीबाग से अंबा प्रसाद, यशवंत सिन्हा और सौरभ नारायण, पलामू से प्रभात भुइया और संजय लाल पासवान, और रांची से सुबोध कान सहाय, केशव महतो कमलेश और विनय सिन्हा दीपू। सीट बंटवारे के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। चलिए आखिरी सवाल, समय कम है, इसलिए सीधा रुख कांग्रेस से ही करते हैं। राकेश जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है, लेकिन धनबाद बड़ा चौंकाने वाला है। कुमार गौरव भी है, अनुपमा सिंह भी है, अभी तुरंत वंशवाद परिवारवाद की बात हो रही थी, एक बार फिर नाम आ गया। मुझे लगता है कि आपके पास ये सूची कहां से उपलब्ध हुई है ये मैं नहीं जानता जी, और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है जी। सूची में आप क्या दिखाए हैं ये तो मैंने देखा है जी, लेकिन ये सूची आपने कहां से लाया? नहीं, सूची है और आपके पास रहेगी। मैं अभिषेक, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सूची आपने कहां से लाया ये मुझे पता नहीं जी। अभी स्क्रीनिंग हमारा चलेगा जी, और हमें लगता है कि 1 से 2 दिनों के अंदर जी तमाम सीटों पर स्क्रीनिंग खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम संभावित उम्मीदवार हैं इनसे भी ज्यादा योग्य उम्मीदवार संभावित जिला में कोई दिख रहा है, जो जिले हम लोग दिखा रहे हैं? कौन इसलिए मैंने कहा कि उम्मीदवार कौन होंगे ये वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये आपने संभावित दिया है, ठीक है, आपने जारी किया है, लेकिन प्रदेश कमेटी ने भी सूची भेजी है आईसीसी को। नहीं नहीं, वो सूची आप ये कौन सी सूची आपने चलाया है इसकी जानकारी मुझे। हमने तो प्रभात भुइया का नाम भी चला दिया, प्रभात भुइया अभी आपकी पार्टी में है भी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सूची आपको कहाँ से उपलब्ध हुई है जी, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि बातें हो रही है और बहुत जल्द हमारे यहाँ प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। चलिए, वक्त की बहुत कमी है, कई सवाल अधूरे रह गए हैं, लेकिन चुनाव नजदीक है तो निश्चित तौर पर अपने अतिथियों से भी मुलाकात हमारी हर रोज होती रहेगी, बातें होती रहेंगी, सवाल जवाब होते रहेंगे। झामुमो से कई सवाल हैं, क्योंकि बिना हेमंत सोरेन के चुनाव में उतरना कहीं ना कहीं, अगर इस बात को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने का, तो इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ना है, ये बात झामुमो भी समझता है, ये बात INDIA गठबंधन भी समझता है, कि इसीलिए तमाम राजनीतिक दावपेच के बाद ये जो रिजल्ट निकलकर, जो परिणाम निकलकर सामने आया, वो लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाला हो सकता है। चलिए, धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से डॉक्टर तनुज खत्री थे, तनुज धन्यवाद आपका। कांग्रेस से राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ थे, राकेश जी बहुत धन्यवाद आपका। अविनेश कुमार सिंह जी भाजपा से जुड़े थे, अविनेश जी धन्यवाद आपका। और आसू से गौतम सिंह जुड़े थे, गौतम जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी ने अपना कीमती वक्त लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।